हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है आपका इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर और आज इसकी ये पहली क्लास है और आज हम पहली क्लास में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ डायग्राम्स दिए जाते हैं, सर्कल हो सकता है या कोई ट्रेंगल हो सकता है, मतलब आपका रेक्टेंगल हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है, उसके अंतर्गत कुछ आपके अल्फाबेट लिखे होंगे, अल्फाबेट के साथ नंबर भी हो सकते हैं और आपको वहाँ पर लॉजिक लगाना है, आपको वहाँ पर मेथड निकालना है कि वहाँ पर किस लॉजिक के आधार पर उनको वहाँ पर लिखा गया है और फिर वहाँ पे आपको जो भी जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा वहाँ पर आपको उसी लॉजिक का प्रयोग करके वहाँ पर जो है उस क्वेश्चन मार्क को फिल करना होगा। तो आज की क्लास जो है एकदम बेसिक क्लास होने वाली है इसकी कि भाई कैसे आप अल्फाबेट पर बेस्ड क्वेश्चनों को इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर टॉपिक में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात आई है अल्फाबेट की और मैंने हमेशा आपको अल्फाबेट जब भी पढ़ाया हमेशा ये बताया कि जब भी बात अल्फाबेट की आएगी तो हमेशा हम बात करेंगे ए टू जेड की, ठीक है ना। और ए टू जेड के साथ हमें वहां पर बात करनी है उसके कोड की, ठीक है ना। जब भी बात किसकी होगी, अल्फाबेट की होगी, तो अल्फाबेट की जब बात होगी तो वहां पर आ जाएगा ए टू जेड और ए टू जेड में हम बात करेंगे उसके अल्फाबेट के कोड की, जैसे ए का 1, जेड का 26, ठीक है। तो यहां पर जैसे अगर बात करें तो मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं कि जो अल्फाबेट है, क्योंकि अल्फाबेट की बात जब भी आएगी, अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा आप अल्फाबेट के कोड के द्वारा उसको सॉल्व करेंगे ताकि आप बहुत आसानी से और कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। तो अगर हम यहां पर बात करें अल्फाबेट के कोड की, तो अल्फाबेट आप सबको पता है कितने होते हैं, तो आपने कहा 26 होते हैं। अगर हम बात करें अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट आप सबको पता है कितने होते हैं, तो आपने कहा ए टू जेड होते हैं, अर्थात इनकी शुरुआत आपकी 1 से होती है और 26 पे ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ए टू जेड के साथ साथ इनके जो है कोड भी याद रखना है। कोड का मतलब हो गया इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, ऐसे ही हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू होगी। जो अल्फाबेट जैसे पी की होगी, क्यू की होगी, जो भी अल्फाबेट ए से जेड में, सबकी प्लेस वैल्यू होगी, तो वो प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है। तो अगर हम यहां पर ए टू जेड के प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखो ए, फिर आपका बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, फिर क्या आएगा आपका आई, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स Y एंड ये हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। अब आपको A टू Z तो सबको पता है, आप सबको A टू Z आता है, लेकिन हमें A टू Z के अलावा जो है इनडायरेक्ट भी उनके कोड याद होने चाहिए। अगर इस प्रकार से मैं कहूं तो आप आसानी से काउंट कर लेंगे कि भाई A वन है, B टू है, C थ्री है, D फोर है, E फाइव है, F सिक्स है, G सेवन है, H एट है, I नाइन है, J टेन है, के आपका 11 है, एल आपका 12 है, एम 13 है, एन 14 है, ओ 15 है, पी 16 है, क्यू 17 है, फिर आपका आर 18 है, एस 19 है, टी 20 है, यू 21 है, वी 22 है, डब्ल्यू 23 है, एक्स 24 है, वाई 25 है और जेड आपका 26 है। तो अगर आपको मैं कहूं कि इनको जो है इस प्रकार से काउंट करिए तो आप आसानी से काउंट कर पाएंगे, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, इनडायरेक्ट भी आपको उसका कोड पता होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए क्यू तो आपको बताना चाहिए 17 होगा, आपसे पूछा जाए वी तो आपको बताना चाहिए 22 होगा, आपसे पूछा जाए जी तो आपको बताना चाहिए 7 होगा, आपसे पूछा जाए के तो आपको बताना चाहिए 11 होगा। ठीक है, तो ऐसे कोड आपको लर्न करने हैं। जैसे एक ही बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर आपका 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ओके 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये हो जाएगा 26, ओके ठीक है। तब ये कोड आपको इनडायरेक्ट भी याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है आई तो आपको बताना चाहिए 9। ठीक है, तो ये तो आपका जो है ए टू जेड के कोड हो गए। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, इनको याद करने का तरीका ये कि इनको आप दिन में एक बार पढ़ लें, सारे के सारे कोड आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, और जितने टॉपिक आप अल्फाबेट के पढ़ते हैं, हर बार आप अल्फाबेट के कोड को पढ़िए, अपने आप सारे के सारे कोड आपको याद हो जाएंगे। एक तरीका भी होता है कह सकते हैं, ठीक है ना, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग सिफ्लोरॉक्स के नाम से जानते हैं, सी एफ आई एल ओ आर यू एंड एक्स, इसको हम सिफ्लोरॉक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 3-3 के डिफरेंस में आपके अल्फाबेट लिए गए, जैसे C का कोड कितना होता है 3, F का 6, I आपका 9, L आपका 12, O आपका 15, R आपका 18, U आपका 21 और X आपका होता है 24। X क्या होता है 24। तो 3-3 के डिफरेंस में आपके सारे अल्फाबेट ले लिए गए, तो यहाँ से भी आप कोड को निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कोड को आप याद रख सकते हैं। फॉर्मूला का क्या नाम है, सिफ्लोरॉक्स, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। अब जैसे अगर हम बात करें इस कोड के द्वारा कैसे हम याद रख सकते हैं, तो सी और एफ के बीच में कौन कौन से अल्फाबेट छूटे हैं, तो आपने कहा डी और ई, एफ और आई के बीच में कौन सा छूटा है जी और एच, आई और एल के बीच में जे और के, और आपका एल और ओ के बीच में आपका जो है के और आपका जो है नहीं एम और एन, O और R के बीच में कौन छूटा है P और Q, R और U के बीच में S और T, U और X के बीच में V और W, लास्ट में आपका Y Z हो गया, शुरुआत में आपका A B हो गया। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप बहुत आसानी से हर एक अल्फाबेट के कोड को निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी बात अल्फाबेट की आएगी तो अल्फाबेट के क्वेश्चनों को आप उसके कोड के द्वारा सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी इनका यूज कैसे होगा, कैसे हमको वहाँ पर जो है लॉजिक को फाइंड करेंगे, कैसे क्या चीज़ें होंगी, उसको क्वेश्चन के माध्यम से हम वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोड समझ में आ गया, ठीक है ना, कोड तो आपको पहले से आता है लेकिन इनको याद करने का तरीका, ठीक है, तो आप सबसे अच्छा तरीका ये कि एक से दो बार इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, दिन में अगर एक बार भी आप पढ़ लेते हैं तो जैसे आप 8-10 दिन पढ़ते हैं, एक हफ्ता पढ़ते हैं, आपको सारे के सारे कोड याद हो जाते हैं, नहीं आप सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। अब देखिए आज क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर एक देखो आपका जो है ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम के अंदर आपके कुछ अल्फाबेट और आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं, और जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है वहां पे आपको बताना है क्या आएगा, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो जहां पर ये क्वेश्चन मार्क लिखा है यहां पर आप कौन सा आपका अल्फाबेट आएगा, कौन सा आपका कैरेक्टर आएगा इनमें से एम पी क्यू एस में से, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात कि इसमें लॉजिक कैसे हम यहां पर जो है ढूंढेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा पार्ट है अपने आप में, ये पूरा एक पार्ट है अपने आप में, ठीक है ना, ये चार पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, ठीक है ना, इसी प्रकार से तीसरा पार्ट आपका ये आएगा और चौथा पार्ट आपका ये आएगा। ठीक है, ये चार पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया गया।
अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि एफ लिखा है, पी लिखा है, 22 लिखा है, जी लिखा है, एन लिखा है, 21 लिखा है, के है, क्वेश्चन मार्क है, 27 है, जे है, ई है और 15 है। तो अब आपको बताना है जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है वहां पर क्या आएगा। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो अभी देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, अल्फाबेट के कोड। अब यहां पे लिखा है कि एफ और पी इक्वल टू आपका 22 कैसे आएगा। तो आपने कहा कि एफ का कोड होता है 6 और पी का कोड होता है आपका 16। अगर दोनों के कोड को हम आपस में ऐड कर दें अर्थात एफ प्लस पी कर दें तो हो जाएगा आपका 6 प्लस 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 आ गया, कितना आ गया 22। और देखो यहाँ पे 22 ही तो लिखा है, कितना लिखा है 22, अर्थात दोनों अल्फाबेट के कोड को आपस में ऐड कर दिया गया है। अब ये तरीका सब में अप्लाई होना चाहिए, अगर ये तरीका सब में अप्लाई होगा तो ही आपका तरीका सही है। अब ऐसा नहीं कि यहां पे तो हो रहा है लेकिन यहां पे नहीं हो रहा, यहां पे नहीं हो रहा, तो फिर ये मेथड आपका सही नहीं होगा। तो जो मेथड है वो तीनों के चारों के चारों पार्ट में सेम लगना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर दूसरे की बात करें जी और एन वाले की, तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर लेते हैं तो यहां पे जी आपका 7 प्लस आपका 14, 14 7 कितना हो जाएगा 21। देखो वहां पे 21 लिखा हुआ है। जे और ई, तो आपने कहा जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा 5 होती है। दोनों को अगर हम ऐड कर दें जे प्लस ई को तो ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तीनों में आपकी सेम जो है, तीनों में आपका सेम मेथड अप्लाई हो रहा है। अब यही मेथड आप चौथे में भी अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर देखो आपका है कि के में कौन सा अल्फाबेट का कोड जोड़ा जाए, तो आपने कहा के का कोड है 27, सॉरी के का कोड है 11, के का कोड क्या है आपका 11, ठीक है ना, के का कोड कितना है 11। तो के और प्लस वो अल्फाबेट इक्वल टू आपका 27। तो आपने कहा कि के का कोड कितना है 11, 11 प्लस आपका क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 27। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस 11, तो ये आ जाएगा आपका 16। और 16 किसका कोड होता है, पी का। 16 किसका होता है, पी का होता है। तो यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, पी आएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई। तो जब भी बात अल्फाबेट की आए, ठीक है ना, कहीं भी किसी भी टॉपिक में अल्फाबेट की बात हो रही हो, तो आप वहां पर हमेशा अल्फाबेट के कोड के द्वारा अल्फाबेट के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा, आपका पी आ जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया कि फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर एंड नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव। अब ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में दो चीजें होती है, एक आपका रो और एक आपका कॉलम, ठीक है ना। मैट्रिक्स इसको जब इस प्रकार से क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स को फिल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये सीख लें हम। तो मैट्रिक्स में जो आपकी रो है वो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 3C 2B 4A, ये आपकी रो है, 3C 27A 9C ये आपका कॉलम है, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये आपका जो है, ये आपकी रो है, ये आपकी रो है, और ये जो इधर की तरफ है ये आपका क्या है, कॉलम है, ठीक है ना। ये क्या है आपका कॉलम, ठीक है ना, ये क्या है आपका कॉलम है, ठीक। तो रो और कॉलम, तो यहां पर जब भी आप इसको फिल करेंगे तो हमेशा रो और कॉलम का पहले ध्यान देंगे कि जहां पर क्वेश्चन मार्क आपका लगाया गया है तो रो में आप जा सकते हैं और कॉलम में भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपका मेथड सही बैठ जाए, जिसमें आपका मेथड क्या हो सही बैठ जाए उसी में आप चले जाएं। अगर रो में बैठ रहा है तो रो में जाइए, अगर कॉलम में बैठ रहा है तो कॉलम में जाइए। जैसे अगर यहां पर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें तो ये सी है, ये ए है, ये सी है। यहां पर अगर आप देखें तो बी है, यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां ए है। यहां पे अगर आप देखें तो ए है, बी है और बी है।
मतलब एक अल्फाबेट दो बार यहां पर रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि यहां पर ये यहां पर क्या आएगा नंबर में, और नंबर में क्या देखो, थ्री है, टू है, फोर है, और अगर रो की बात करें थ्री टू फोर 27, यहां पर कुछ आएगा 64, 9, 4, 16। तो आपने कहा कि अगर हम नंबर की बात करते हैं और हम यहां पर इसको कॉलम में लेके चलें, हम इसको यहां पर अगर कॉलम में लेके चलें, अगर कॉलम में लेके चलें और हम यहां पे फर्स्ट कॉलम की अगर बात करें, तो फर्स्ट कॉलम में अगर हम 3 और 9 का आपस में क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 और 9 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। 3 और 9 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 27। इसी प्रकार से अगर यहां पर देखें तो कॉलम थर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं, अभी सेकंड को छोड़ दीजिए, कॉलम थर्ड की अगर हम बात करें, क्या थर्ड में भी ये आपका ये तरीका लग रहा है क्या? तो आपने कहा कि अगर आप यहां पर 4 और 16 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 64, बिल्कुल लग रहा है। तो अब यहां पर देखो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2 का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 का। तो कॉलम अगर हम सेकंड की बात करें, कॉलम अगर हम सेकंड की बात करें तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 और 4 का, तो यहां पे आ जाएगा आपका 8, यहां पे आ जाएगा आपका 8। तो नंबर तो क्लियर हो गया कि 8 आएगा, नंबर तो क्लियर हो गया कि आपका 8 आएगा। अब बात करते हैं अल्फाबेट की, अल्फाबेट क्या आएगा। तो आपने कहा कि अगर अल्फाबेट की हम बात करें यहां पर, तो अल्फाबेट का जो सीक्वेंस है वो कॉलम में नहीं बन रहा। देखो सी ए सी ए बी बी, मतलब एक अल्फाबेट दो बार रिपीटेड तो है लेकिन किस सीक्वेंस में है ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना भाई। यहां पे सी है, यहां पे ए है, यहां पे सी। अगर यहां पे ए होता, लास्ट में ए होता, बीच में बी होता, तो कहते कि भाई ऊपर वाला जो अल्फाबेट है वो रिपीट हो रहा है, तो फिर कॉलम में अल्फाबेट का सीक्वेंस तो नहीं बन रहा। अब जरा अल्फाबेट का सीक्वेंस जरा रो में देख लीजिए। तो आपने कहा कि अगर रो की बात करें तो ए बी सी, यहां देखो ए बी और सी, तो यहां पे ए यहां पे आ जाएगा सी, यहां पे हो जाएगा आपका बी। तो देखो जो आपका अल्फाबेट का कॉलम है वो किसमें बन रहा है, वो बन रहा है रो में, वो बन रहा है आपका रो में। पहले में देखो तीनों अल्फाबेट आ गए, पहले वाले रो में तीन अल्फाबेट आ गए, कौन कौन से, तो आपने कहा ए बी सी। इसी प्रकार से सेकेंड रो में भी तीन अल्फाबेट होने चाहिए, आपने कहा ए बी और सी, और तीसरे में भी आपके हैं तीनों अल्फाबेट आपके ए बी और सी। तो यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट मिस था आपका सी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, और आंसर हो जाएगा आपका 8C। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8C। तो क्वेश्चन में देख क्या जाएगा आपका 8C, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया कि मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, रो और कॉलम में, ठीक है। वहां पे जो मेथड आपको रो में अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये मेथड आसानी से लग पा रहा है, बस तीनों में सेम मेथड अप्लाई होना चाहिए, चाहे आप कॉलम को लेके चले चाहे आप रो को लेके चले। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका नंबर आया वो कॉलम से आया और जो अल्फाबेट आया वो आपका रो से आया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 8C, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। ये जो आपको ये डायग्राम दिया गया इसमें क्वेश्चन मार्क जगह कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है, WT3, SD15, JT10, GP क्वेश्चन मार्क 5 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा कि आपका 13 आएगा। तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था तो यहां पर भी देखो इसको चार पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना, चार पार्टों में डिवाइड किया गया। अब यहां पे अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में दिया है कि WT=S, W और आपका क्या है आपका T, और यहां पे इक्वल्स टू आ गया आपका 3। अब जो मेथड अप्लाई करेंगे इन चारों पार्ट में सेम मेथड अप्लाई होना चाहिए। तो बात अल्फाबेट की हो रही है, तो जब अल्फाबेट की बात है तो अल्फाबेट के कोड की हम बात करेंगे। तो यहां पर देखो अल्फाबेट में W का कोड कितना होता है,
तो आपने कहा W का कोड होता है 23 और T का कोड होता है 20। अब देखो अगर W से T के कोड को हम माइनस कर दें, अर्थात 23 से 20 को हम माइनस कर दें, तो ये आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 ही तो लिखा है। अब जरा देखो कि ये आगे भी अगले पार्ट में भी ये मेथड अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपने कहा एस डी, एस और डी में देख लो भाई, एस इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू कितना दिया गया, आपने कहा 15। तो आपने कहा एस का कोड कितना होता है 19 और डी का कोड कितना होता है 4, बिल्कुल 15 आ जाएगा। देखो 19-4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15। ठीक है, इस प्रकार जे टी देख लो, तो आपने कहा जे इक्वल्स टू 10 और टी इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर भी अगर 20 में से 10 को हम माइनस कर देंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्या है, पी और जी है, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 16 और G इक्वल्स टू होता है आपका 7। 16-7 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 9 आएगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट के कोड याद हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेंगे, क्वेश्चन को देखा और आपने उड़ा दिया। इसलिए कोड अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, याद करने का तरीका क्या है वो मैंने बता दिया। फार्मूले के सहारे मत रहिए, ये मत सोचिए कि मैं जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे हम लिख लेंगे। पर्चा अगर गुम गया या वो कहीं आगे पीछे हो गया तो उसको ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, और एग्जाम का तो एक एक सेकंड, मिनट की बात छोड़ दीजिए आप, एक एक सेकंड आपका बहुमूल्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक एक सेकेंड वहाँ पर, इसलिए एक सेकेंड भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो है आप उसके कोड को अगर याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो आप देख के सॉल्व कर देंगे कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, तुरंत आंसर आ गया, ये ऑप्शन बी होगा। तो इसलिए कोड याद कर लीजिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा वहां पे कौन से अल्फाबेट आएंगे आपको बताना है। जेड क्वेश्चन मार्क एस आर ओ देन क्वेश्चन मार्क जी सी। तो मैंने आपको पहले बताया ये आपकी मैट्रिक्स है, आपको रो या कॉलम जिसमें आपको सही लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाए, लेकिन हाँ चाहे रो में सॉल्व करिए चाहे कॉलम में सॉल्व करिए, अगर रो में लेते हैं तो भी तीनों आपके रो में सेम मेथड अप्लाई होना चाहिए, अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम भी तीनों में आपके सेम मेथड अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, डब्ल्यू जे के आएगा कि के डब्ल्यू टी आएगा कि डब्ल्यू के जे आएगा कि जे के डब्ल्यू आएगा, क्वेश्चन मार्क जो है क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको अल्फाबेट में या तो रो में कर उसको लेके चलना है या तो इसमें लेके चलना है कॉलम में लेके चलना है। ठीक है ना, जिसमें भी आपको लॉजिक दिखे कि हाँ भाई इसमें ये लॉजिक लग सकता है, लेकिन चाहे आप उसको रो में लीजिए और चाहे उसको आप कॉलम में लीजिए, तीनों में सेम आपका मेथड लगना चाहिए। जैसे अगर इसको हम बात करें कॉलम की, तो अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं, हम इसको लेके चलते हैं कॉलम में, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करें फर्स्ट कॉलम की, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है आपका जेड है, फिर आर है, देन क्वेश्चन मार्क है, सेकेंड कॉलम में क्वेश्चन मार्क है, ओ है और जी है, यहाँ यस है, क्वेश्चन मार्क है, देन आपका सी है। अब अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो जेड से आर कैसे आएगा, तो आपने कहा जेड का कोड होता है 26 और आर का कोड होता है आपका 18। 26 में अगर माइनस का 8 कर दें तो आपका 18 आ जाएगा, 26 में अगर हम माइनस का 8 कर दें क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। अच्छा 18 में से अगर माइनस का 8 करते हैं, 18 में अगर माइनस का 8 कर दें तो यहां पे आपका 10 आएगा, और 10 किसका कोड होता है जे का। क्या देखिए ऑप्शन में जे दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन में जे दिया गया है। अब इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड कॉलम की बात करें, अगर हम सेकेंड कॉलम की बात करते हैं, सेकेंड कॉलम में देखो क्या है यहाँ पर, तो आपने कहा क्वेश्चन मार्क शुरुआत में दिया गया है, तो भाई देखो ओ का कोड है 15, ओ का कोड है 15 और यहाँ पे आपका दिया गया है क्या जी, और जी का कोड है 7। अगर 15 में माइनस का 8 कर दे तो 7 आपका आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा अल्फाबेट हम ले लें जिसकी कोड में माइनस का 8 करने पे आपका 15 आ जाए, तो आपने कहा W ले लीजिए,
W यहाँ पर ले लिया जाए, W का कोड 23 है और 23 में से अगर माइनस का 8 आप करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाले में आप देख लो, थर्ड वाला देख लो, थर्ड में आपका ऊपर क्या दिया गया है, S, ठीक है ना। थर्ड में ऊपर क्या दिया गया, शुरुआत में आपका दिया गया है यस। यस का कोड कितना होता है, आपने कहा 19। 19 में अगर हम माइनस का 8 करते हैं तो आपका K आ जाएगा और K का कोड होता है आपका 11। 11 माइनस 8 अगर करते हैं तो 3 आएगा, अर्थात C आ जाएगा और C वहां पर दिया गया है। तो कॉलम में सब में क्या हो रहा है, आपके अल्फाबेट के कोड में माइनस का 8, माइनस का 8 किया गया है। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या क्वेश्चन क्या आएगा, J आएगा, दूसरे में क्या आएगा आपका W आएगा, तीसरे में क्या आएगा आपका C आएगा। तो जे डब्लू जे नहीं जे यहाँ पे जे आएगा, यहाँ पे W आएगा और यहाँ पे K आएगा। तो जे W K आपका सही आंसर होगा। C तो पहले से दिया गया, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा आपका, यहाँ पे K आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका J आ जाएगा, यहाँ पे आपका W आ जाएगा और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका K आ जाएगा, ठीक है ना। तो जे डब्ल्यू के किस ऑप्शन में दिया गया है, आपने कहा ऑप्शन डी में दिया गया है और एक ही ऑप्शन में शुरुआत में जे दिया गया है, बाकी किसी भी ऑप्शन में शुरुआत में जे नहीं है। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं कि इसका आंसर डी होगा, इसमें दूसरा कोई आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है जिसमें आपके अल्फाबेट दिए गए हैं A R E M C U B S F N S देन आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क जगह, ये आपको बताना है। G आएगा, R आएगा, T आएगा कि आपका जो है V आएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये बहुत ही आसान सा है और आप देख करके इसमें देखो आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि इतना आसान है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो बात होगी वो किसमें होगी, रो में बात होगी, इसमें जो बात होगी वो रो में होगी, ठीक है ना। ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो और ये आपकी थर्ड रो। रो में अगर हम इसको लेके चले तो आप देखेंगे फर्स्ट रो में, ठीक है ना, आप देखेंगे फर्स्ट रो में क्या मेथड लग रहा है। आपने कहा अल्टरनेट अल्फाबेट ले लो, ए के बाद आप यहां पर बी ले लो और एम के बाद आप यहां पर अल्फाबेट एन ले लो, ठीक है ना। ठीक है, ए के बाद किसको ले लिया हमने, बी, और M के बाद यहाँ किसको ले लिया हमने, N को। इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो में भी आप देख रहे हैं कि R के बाद अल्फाबेट क्या आएगा आपका S और यहाँ पे C के बाद अल्फाबेट क्या आएगा आपका D, ठीक है, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। R के बाद क्या आएगा आपका S, C के बाद क्या आएगा आपका D। तो यही सेम मेथड आप तीसरे में अप्लाई कर दें, यही सेम मेथड आप तीसरे में अप्लाई कर दें तो ई के बाद क्या आएगा यहां पर आपका एफ और यहां पे क्या है आपका यू। तो यू के बाद क्या आएगा आपका, तो आपने कहा यू के बाद आएगा आपका वी, क्या आएगा यहां पर यू के बाद आएगा वी। तो देखो ई के बाद एफ आपका दिया गया है, यू के बाद यहां पे वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा वी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। तो जो लॉजिक जो मेथड आप उसमें लगा रहे हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आ रहा है अगर वो दिए गए ऑप्शन में है तो आपका लॉजिक आपका मेथड बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात है, सिर्फ कैसे पता करें कि हमारा लॉजिक सही है, तो आपने जो आंसर निकाला है वो ऑप्शन में दिया गया है भाई, तभी तो यहाँ पर लॉजिक आपको जो है, जैसे एक बात आती है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं, पेपर ज़्यादा टफ होता है कि सब्जेक्टिव, भाई ऑब्जेक्टिव में आपको ये ऑब्जेक्टिव ही तो है कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं और आपको लॉजिक लगा के बताना है। तो यहाँ पे आपको दूसरे के दिमाग को पढ़ना है कि दूसरे ने क्या सोचा है, क्या सोच करके ये क्वेश्चन को बनाया है। क्वेश्चन आप खुद से भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, आप लॉजिक लगाइए और वहां पे क्वेश्चन तैयार कर दीजिए। लेकिन सब्जेक्टिव जैसे पेपर हो तो उसमें आपका आपको कुछ चीजें पता है और आप लिखते चले गए, कुछ चीजें दिमाग में आती गई और आप लिखते हुए चले गए, आपने पूरा का पूरा हर चीज अपने अकॉर्डिंग लिख दी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पे आपको दूसरे के दिमाग को रीड करना है कि उसने क्या सोचा है, क्या लॉजिक यहां पर अप्लाई किया है, जिससे ये आपका आंसर आ गया यहां पे। और जब भी आपका आंसर आता है तो आप वहां पर देखिए, जैसे आपने जो आंसर निकाला अगर दिए गए ऑप्शन में है तो आपका वो तरीका, आपका वो लॉजिक, आपका वो आंसर बिल्कुल 100% आपका सही है।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट एंड नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव। अब ये आपको मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पे आपको अल्फाबेट और नंबर दोनों मिक्स दिए गए हैं, 7B, 5C, 6B, 3C, 9B, 19A, 15A, 17A एंड देन आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क देखिए क्या आएगा, 10C आएगा, 12C आएगा कि 14B आएगा कि आपका जो है 16C आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्लियर कर लेते हैं कि अल्फ़ाबेट भाई क्या आएगा, ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेट की अगर आप बात करें देखो, तो अगर कॉलम में बात करें तो BCA, यहाँ भी देखो ABC है, यहाँ भी आपका ABC है भाई। अगर रो में बात करते हैं तो यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, लेकिन दूसरे वाले में CBA आ गया। तीसरे वाले में क्या भी अगर ये कॉन्सेप्ट मान के चलें कि पहला वाला अल्फ़ाबेट दो बार रिपीटेड है, तो यहाँ पहला अल्फ़ाबेट आपका C है तो C दो बार रिपीटेड होना चाहिए। तो अगर आप अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट किस में आ जाएगा, आपका कॉलम में आएगा। और कॉलम में अगर देखें, कॉलम में अगर आप देखें तो कॉलम में फर्स्ट कॉलम में भी आपका क्या है, तो आपने कहा फर्स्ट कॉलम में भी आपका ABC तीनों अल्फाबेट हैं, ठीक है। सेकंड कॉलम में भी आपके तीनों अल्फाबेट हैं, देखो ए है, बी है, सी है, ए बी और सी है, उनका क्रम अलग अलग है, वो बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन तीनों अल्फाबेट हैं। तो इसी प्रकार से थर्ड कॉलम में भी तीनों अल्फाबेट होने चाहिए, आपका ए भी होना चाहिए, आपका बी भी होना चाहिए और आपका सी भी होना चाहिए। तो आपने कहा कि यहां पर ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है, तो यहां पे सी आएगा, तो क्लियर हो गया। अब सी जब आएगा तो इसमें ऑप्शन सी आपका गलत है, ठीक है, उसमें 14B दिया गया है। तो चूंकि यहाँ पे अल्फाबेट सी आएगा तो या तो 10C आएगा, या तो 12C आएगा, या तो 16C आएगा। तो अल्फाबेट तो हमारा क्लियर हो गया कि वहां पर सी आएगा। अब नंबर की जरा बात कर लेते, भाई नंबर कौन सा आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा कि 16 आएगा। तो आपने कहा कि अगर हम नंबर की बात करते हैं, नंबर में अगर ये लॉजिक लगाते हैं, पहले भाई रो की बात करें, देखो 5, 6, 7 लगातार नंबर है, लेकिन यहाँ पे फिर सेकेंड में वो नहीं लग रहा, थर्ड में भी नहीं लग रहा, भाई 15+2 आपका 17, 17+2 आपका 19, तो ये भी लॉजिक नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी लॉजिक लगेगा तीनों में, तीनों रो या तीनों कॉलम में सेम लगेगा। अगर हम कॉलम की बात करें तो आपने कहा कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 7, 3, 10, 10, 5, 15, 9, 5, 14, 14, 3, 17, तो 19, 6 आपका 25 और 25, 3 आपका भाई यहाँ पे आपने कितना ऐड किया, तो 5 ऐड किया, यहाँ पे आपने 3 ऐड किया, तो यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू ऐड करें, 3 ऐड करें, 5 ऐड करें, 7 ऐड करें। और अगर हम इनमें से कोई ऐड भी करते हैं तो 19+6 आपका 25, 25 में अगर 7 आप ऐड करेंगे 33 आएगा, 33 कहीं ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो अब क्या एक तरीका बचता है, अब तरीका ये बचता है कि हम या तो इन सब को आपस में ऐड कर दें, या तो रो में या तो कॉलम में, सब नंबर को आपस में ऐड कर लीजिए, या तो रो में या तो कॉलम में। जैसे अगर हम रो में ऐड करते हैं, ठीक है, तो 7, 5, 12, 12, 6 कितना हो गया आपका, तो आपने कहा 18, लेकिन यहाँ पे 18 नहीं हो रहा, ये तो ज़्यादा हो रहा है, 7, 3, 10, 10 और आपका 15 कितना हो जाएगा, 25, तो यहाँ पे आपका 25 आ रहा है, 9, 5 आपका 14, 14 और 17 आपका 31, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 31 आ रहा है, यहाँ पे आपका 19+6 आपका जो है कितना हो जाएगा, 19+6 आपका हो जाएगा 25, तो यहाँ पे आपका 6, तो यहाँ पे जो है 25 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लस का 6 है 31, ठीक है ना, प्लस का 6, तो यहाँ पे 37 आना चाहिए, 37 जो है लाना है, तो हमें यहाँ पे 12 ऐड करना पड़ेगा, तो 12C नहीं, लेकिन ये लॉजिक सही नहीं है, ठीक है ना, चूंकि या ये लॉजिक हो सकता है, ये लॉजिक आपका ऐसा नहीं लगेगा, नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है आपका इन तीनों का जो एडिशन है वो सेम होना चाहिए, कॉलम का या तो रो का, तो ना तो रो में सेम है ना तो कॉलम में सेम है, तो फिर क्या लगाते हैं, फिर जरा और देखो भाई क्या लग सकता है। अब देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये लॉजिक लगेगा, यहाँ पे लॉजिक आपका क्या लगेगा, तो आपने कहा कि अगर देखें तो ये क्रॉस में डायगोनल में लगेगा, देखो डायगोनल कैसे 6 और 9 का एडिशन कितना हो गया 15,
तो 7 और 9 का एडिशन कितना हो जाएगा आपका 16, तो 16 सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है देखो, ठीक है ना भाई, हमने सब करके देख लिया। जब ये कोई लॉजिक नहीं लगा वहां पर, हम ये नहीं कह सकते ना कि प्लस का 6, ये लॉजिक नहीं लगा सकते। या तो हाँ, अगर तीनों का सेम होता तो फिर बात बन जाती, ठीक है ना, तीनों का अगर सेम होता तो बात बन जाती कि भाई यहां पर ये है, ठीक है ना। तो यहां पे ये लॉजिक लग रहा है कि डायगोनल में उनको आपस में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है, तो 9 + 7 आपका 16, 15 + 6 आपका जो है 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16, तो यहाँ पे 16 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट एंड नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव। अब यहां पर देखो आपको मैट्रिक्स दी गई, बताना है कि क्वेश्चन में कौन सा अल्फाबेट और नंबर आपका आएगा, ठीक है। दिया गया है Z4X3V9, A6C2 क्वेश्चन मार्क, T5R4 एंड P15, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात अल्फाबेट की कर लें, तो अल्फाबेट तो आपको सिंपल सा समझ में आ रहा है कि अल्फाबेट की बात आप रो में करिए, अल्फाबेट की बात आप रो में करिए, और रो में आपको फर्स्ट रो में दिया गया है आपका जेड, फिर आपका दिया गया है एक्स, और फिर दिया गया है आपका वी। तो आपने कहा कि जेड का कोड 26, एक्स का कोड 24, वी का कोड 22, तो माइनस का 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं रो सेकेंड की। अगर सेकेंड रो की बात करें, अगर हम यहाँ पे सेकेंड रो की बात करें, तो ए है, ए के बाद आपका सी है, सी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो आपने कहा कि ए का कोड 1, सी का कोड 2, तो यहाँ पे जैसे सी का कोड 3 होगा, 2 तो आपका बी का कोड होता है, सी का कोड 3, तो यहाँ पे प्लस का 2। अब यहाँ पे अगर हम प्लस का 2 करते हैं तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, ई आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपका, ई आना चाहिए। देखो ई ऑप्शन में दिया भी गया है, ई ऑप्शन में दिया भी गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर तीसरे की बात करें, तीसरे रो की, तो तीसरे रो में आप देखेंगे क्या है आपका, टी है, फिर आपका आर है, और आर के बाद यहाँ पे आपका क्या है, पी है। तो आपने कहा टी 20, आर आपका 18 और पी आपका 16, तो यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2। अगर अगली रो होती तो उसमें क्या होता आपका, +2 होता। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ई अल्फाबेट में आपका ई आएगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि नंबर पे क्या आएगा, ठीक है ना, नंबर पे आपका 10 आएगा कि नंबर में आपका 12 आएगा, ये और क्लियर करना है, क्योंकि ई के साथ दो आपके नंबर हैं, एक आपका E10 है, एक आपका E12 है। तो अगर हम नंबर की बात करें, तो भाई अगर हम रो में नंबर को लेके चलते हैं, तो रो में देखो क्या दिया गया आपका 4, 3 और 9, ठीक है ना। तो 4 + 3 आपका 7, 7 + 2 आपका 9, तो आपने कहा 6 + 2 आपका 8, 8 + 2 आपका 10, तो 5 + 4 आपका 9, 9 + 2 आपका यहाँ पे 11 होना चाहिए, यहाँ पे तो आपका 15 है, तो फिर ये तो आपका सही, 10 तो दिया गया लेकिन यहाँ पे 11 नहीं आ रहा, तो फिर ये आपका मेथड सही नहीं होगा, क्योंकि तीनों में सेम मेथड अप्लाई होना चाहिए। अब अगर हम सेकेंड की बात करें, तो यहाँ पे जो है अगर कॉलम की बात कर लेते हैं, तो कॉलम में आपका कितना है, तो आपने कहा यहाँ पे 4 है, 5 है और 6 है, यहाँ पे 2, 3, 4 है। तो यहाँ पे देखो अगर हम कॉलम की बात करें, यहाँ पे अगर हम कॉलम की बात करें नंबर के लिए, कॉलम की बात करें, तो फर्स्ट कॉलम में आपके 3 लगातार नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से हैं, तो आपने कहा 4 है, 5 है और आपका 6 है। सेकेंड कॉलम में भी 3 नंबर है लगातार, 2 है, 3 है एंड आपका 4 है। थर्ड कॉलम की अगर बात करें, तो थर्ड कॉलम में आपका, अब देखो इनके बीच डिफरेंस बराबर है, इनके बीच डिफरेंस क्या है, बराबर है। देखो यहाँ 1, 1 का डिफरेंस है, 4 + 1 5, 5 + 1 आपका 6, ठीक है ना, यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 1 आपका 4, तो डिफरेंस इनके बीच बराबर, तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा कि 9 है, 9 में अगर आप 3 ऐड कर देंगे तो आपका 12 आ जाएगा, और 12 में अगर आप 3 ऐड कर देंगे तो आपका 15 आ जाएगा।
तीनों में, तीनों जो आपके नंबरों में 3-3 का डिफरेंस आएगा, अगर भाई यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं तो 9 1 10 तो हो जाएगा, लेकिन 10 5 15 हो जाएगा, 5 का डिफरेंस हो जाएगा, जबकि तीनों नंबर में सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका E12। क्या आएगा आपका E12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात समझ में आई भाई? यहाँ पर भी जो नंबर आपके दिए गए हैं 4 5 6 इनके बीच डिफरेंस बराबर है, 2 3 4 इनके बीच डिफरेंस बराबर है, तो 9 और आपका 12 और 15 इनके बीच भी डिफरेंस बराबर है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 10 लेते हैं तो आपका 9 10 के बीच 1 का डिफरेंस आ जाएगा, 10 और 15 के बीच आपका 5 का डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है चूँकि डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए है कि फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट एंड नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब आपकी ये मैट्रिक्स है जिसमें दिया गया आपको BD3 CE5 DF15, ठीक है, EG2 FH4 GI8 HJ4 IK6 देन क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा। तो यहां पे अगर आप नंबर की बात करें तो नंबर तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि यहां पे नंबर क्या होगा, नंबर तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि यहां पे नंबर क्या आएगा। तो नंबर की बात करें तो रो में हम नंबर की बात कर लेते हैं, किसमें, रो में। रो में अगर हम नंबर की बात कर लें तो फर्स्ट रो में आप देखेंगे कि 3 और 5 का मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं तो आपका 15 आ जाता है। देखो 3 और 5 का अगर आप मल्टीप्लाई कर 15 आ जाएगा, 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर दे सेकेंड रो में, इसी प्रकार से अगर आप 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 8 आ जाएगा। तो थर्ड में अगर आप देखें तो यहां पे आप 4 और 6 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो नंबर तो क्लियर हो गया कि 24 आएगा, नंबर यहां पे क्लियर हो गया कि क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। अब अल्फाबेट और क्लियर कर ले कि अल्फाबेट में क्या आपका आएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखें तो अल्फाबेट देखो यहां पे क्या है आपका, बी के बाद सी, रो में अल्फाबेट की बात करते हैं, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। तो देखो यहां पे बी सी डी और डी ई और आपका एफ। इसी प्रकार से अगर आप यहां पर देखें तो ई के बाद आपका एफ, एफ के बाद आपका जी, जी के बाद यहां पे एच, एच के बाद आपका आई, एच के बाद यहां पे आई, आई के बाद यहां पे जे आ जाएगा, ठीक है ना, जे के बाद के, तो के बाद आपका यहां पे एल आ जाएगा। तो जे एल 24 आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा, जे एल 24 यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज सम रिलेशन अकॉर्डिंग टू सम रूल बिटवीन द लेटर्स एंड न्यूमरल्स गिवन इन ईच रो, फाइंड द रूल इन ईच केस एंड देन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द 4 अल्टरनेटिव्स गिव अंडर इट सेटिस्फाइंग द सेम रूल टू फिल इन द वैकेंट प्लेस इन द थर्ड रो। अब यहां पर आपको कुछ नंबर दिए, अल्फाबेट दिए गए हैं और उनके साथ में कुछ नंबर दिए गए हैं, तीनों आपके रो में सेम रूल अप्लाई होगा और आपका जो भी रोल होगा वो पहले में भी वही होगा, दूसरे में भी वही होगा, तीसरे में भी वही होगा। तो आपको बताना है कि उन रूल्स के आधार पर यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से नंबर आएंगे। जैसे यहां पे दिया गया है, देखो पहले रो में जे एन 28 27 जीपी, ओके, दूसरे में दिया गया है आपका जो है सीई 12 45 एंड टी यू, यहां पे दिया गया है एल आर क्वेश्चन मार्क और दिया गया आपका एम एफ। तो आपको बताना है कि यहां पे क्वेश्चन मार्क कौन से नंबर आपके आएंगे, 30 41 आएगा, 30 32 आएगा, 34 36 आएगा कि 35 35 आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तीनों रो में सेम आपका मेथड अप्लाई होगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो अगर हम यहां पर फर्स्ट रो की बात करते हैं कि फर्स्ट रो में आपको क्या दिया गया है,
आपने कहा फर्स्ट रो में दिया गया JN2827GP, सेकेंड रो में आपको दिया गया है CE1245TU, थर्ड रो में दिया गया आपका LR?MS। ठीक है, देखो अगर हम यहां पर जे एन की बात करें, फर्स्ट रो की पहले बात कर लेते हैं, तो जे एन इक्वल्स टू अगर हम यहां पे 28 ले लेते हैं, ठीक है ना, और जीपी इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 27, तो यहां पर जो है जे का कोड कितना होता, तो आपने कहा 10, जे का कोड 10 और एन का कोड है 14, दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो 10 और प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका 24, 24 में यदि 4 हम अपनी तरफ से ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 28। लेकिन सेम यही तरीका यहां पर भी लागू होना चाहिए, तभी ये मेथड हमारा सही होगा, और सेम यही मेथड आपका सेकेंड रो में भी अप्लाई होना चाहिए, तभी हम उसको थर्ड रो में अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जरा देखो 27 आ रहा है क्या इससे, तो आपने कहा जीपी, जी और पी दिया गया है, जी का कोड होता है आपका 7, जी का कोड होता है 7, पी का कोड होता है 16, दोनों को ऐड करने पे 23 आएगा, और 4 अपने से अगर हम ऐड कर दें तो ये 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 27 आपका दिया गया, तो ये मेथड बिल्कुल सही है। सेकेंड रो में जरा इसको चेक कर लेते हैं, भाई क्या सेकेंड रो में आ रहा है, तो आपने कहा यहाँ पे दिया है CE बराबर आपका 12, CE इक्वल्स टू आपका 12 और जो है आपका TU इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो यहां पर देखो C का कोड कितना है, तो CE इक्वल्स टू हो जाएगा C का कोड 3, E का कोड आपका 5, ये हो जाएगा आपका 8, और अपने सामने 4 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा आपका 12। फिर TU की बात कर अगर करें तो T का कोड 20, U का कोड 21, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 41। 41 में यदि 4 हम अपने से ऐड कर दें तो ये आ जाएगा आपका 45। देखो यहाँ पे 45 दिया गया है, तो बिल्कुल दोनों रो में आपका सेम मेथड ये अप्लाई हो रहा है। तो तीसरे में भी सेम यही मेथड आप अप्लाई कर दो, तो अगर यहाँ पे देखें तो क्या है आपका LR है, और LR की अगर बात करें तो L का कोड कितना है आपका 12 और R का कोड है 18, तो ये हो जाएगा आपका 30, 30 में प्लस का 4 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है ना, यहाँ पे MS, यहाँ पे क्या है आपका MS, तो M का कोड है आपका 13, S का कोड है 19, 13 प्लस 19 कितना हो जाएगा आपका 32, 32 में यदि प्लस का 4 हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36, तो 34 एंड 36 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा, यहां पर आ जाएगा आपका 34 एंड 36। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका उसी कॉन्सेप्ट पर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज सम रिलेशन अकॉर्डिंग टू सम रूल बिटवीन द लेटर्स एंड न्यूमरल्स गिवन इन ईच रो, फाइंड द रूल इन ईच केस एंड देन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द 4 अल्टरनेटिव गिवन अंडर इट सेटिस्फाइंग द सेम रूल टू फिल द वैकेंट प्लेसेस इन द थर्ड रो। तो यहां पर भी आपका उसी प्रकार से आपको लगाना है जैसे आपने अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया कि भाई वहां पर पहले उन दो अल्फाबेट जो दिए गए थे उनको उनके कोड को आपस में हमने ऐड कर दिया और 4 हमने आपस में अपने से ऐड कर दिया तो हमारा काम वहां पर बन गया। तीनों रो में वहां पर सेम मेथड आपने अप्लाई किया, तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि तीनों मेथड में आपको सेम रूल अप्लाई करना है। जो मेथड आप फर्स्ट रो में अप्लाई करेंगे वही मेथड आप सेकेंड रो में अप्लाई करेंगे और वही मेथड आप थर्ड रो में भी अप्लाई करेंगे। तो यहां पे अगर हम देखें फर्स्ट रो की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रो में आपको क्या दिया गया, तो आपने कहा FJ2516 and NS, सेकेंड रो दिया गया आपको LZ25196SX, तीसरी रो में दिया गया आपको NQ?WY, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क जगह 4 and 9 आएगा कि 9 and 4 आएगा कि 8 and 27 आएगा कि 27 and 8 आएगा। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो भाई FJ और यहां पे दिया गया है आपका 25, ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकेंड रो और ये हो गई आपकी थर्ड रो। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट रो की बात कर लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रो की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ जे, एफ जे इक्वल्स टू अगर हम 25 मान लें और एन एस इक्वल्स टू अगर हम 16 मान लें, तो यहाँ पर देखो एफ का कोड कितना है, तो आपने कहा एफ जे, एफ जे इक्वल्स टू एफ का कोड 6 और जे का कोड है आपका 10, 10 और 6 हो जाएगा आपका 16। तो आपने कहा एक काम करो एफ जे इक्वल्स टू 16 मान लो, तो एन एस इक्वल्स टू हमें 25 लाना होगा, तो n का कोड है 14, s का कोड है 19, 19 प्लस 14 आपका 33 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आपका 25 दिया गया है। अगर fj को हम 16 मान लेते हैं तो ns को हमको ये मानना पड़ेगा ना, जबकि ns इक्वल्स टू आपका 33 आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर ये मेथड तो यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा, और कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, और कुछ यहाँ पे प्लस तो नहीं हो रहा भाई, और क्या हो सकता है, देखो जरा प्लस से काम तो नहीं बन रहा। तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पर देखें f का कोड कितना है, तो आपने कहा f का कोड है 10 और j का कोड है, नहीं से f का कोड है 6 और j का कोड है 10। अब देखो यहाँ पर जो है एक लॉजिक देखो यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा यहाँ पे हम एफ जे इक्वल टू मानते हैं कितना आपका 16 और इसको मानते हैं 25। यहाँ पर देखिए आपने कहा कि एफ जे इक्वल टू 16 कैसे आएगा, तो आपने कहा J का कोड 10, F का कोड 6, दोनों के बीच डिफरेंस है आपका 4 और 4 का जो स्क्वायर है वो है आपका 16, ठीक है, क्लियर। अगर इसी मेथड को हम NS में अप्लाई करें, NS, तो आपने कहा S का कोड है 19, N का कोड है 14, दोनों के बीच का डिफरेंस है 5, 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है। तो FJ का रिलेशन किससे, 16 से, NS का रिलेशन किससे, 25 से। सेम यही मेथड आप सेकेंड रो में अप्लाई करिए, सेम यही मेथड आप सेकेंड रो में अप्लाई करिए, देखिए अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो आपने कहा LZ, आपने कहा LZ बराबर आपका 196 आना चाहिए, तो आपने कहा कि LZ की अगर बात करें तो Z का कोड आपका 26 और L का कोड है आपका 12, दोनों के बीच का डिफरेंस है 14 और 14 का स्क्वायर होता है 196, बिल्कुल देखो आ रहा है। यस एक्स की अगर हम बात करें, यस एक्स की, तो यस एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे देखें कि यक्स का कोड कितना होता है, आपने कहा 24, यस का कोड होता है 19, तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंस 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, क्लियर है। तो सेम यही मेथड आप यहाँ पे तीसरे में अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे जो आएगा उसको यहाँ पे आप लिखेंगे और इसका जो आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, तो एन क्यू, एन क्यू की अगर हम बात करें, थर्ड रो की अगर हम बात करें, तो एन क्यू, तो एन क्यू में एन का कोड कितना होता है, एन क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू का कोड है 17, एन का कोड है 14, 17 माइनस 14 आपका 3 आएगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा। इसी प्रकार से उधर दिया गया आपको डब्ल्यू वाई, वहां दिया गया आपको डब्ल्यू वाई, तो y का कोड 25, w का कोड 23, दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका 2, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, तो 4 एंड 9 देखो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में बात आई। तो तीनों रो में सेम मेथड अप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो है इस वाले क्वेश्चन में आपका 4 आएगा और इस क्वेश्चन में आपका 9 आएगा, तो 4 एंड 9 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 11th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट एंड नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखो यहाँ पे फिर से आपको मैट्रिक्स दी गई है और यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन में देगा आपका कौन सा नंबर और कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो यहाँ पे देखो आपका 4C, 2B, 3A, 28A और देन क्वेश्चन मार्क 45B, 7C, 5A एंड 15B, तो यहाँ पे क्या आपका आएगा क्वेश्चन, 10C आएगा, 12C आएगा, 13C आएगा कि आपका जो है 7C आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि अल्फाबेट में C आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में C दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट की बात आप रो में करिए, अल्फाबेट की बात आप रो में करिए, तीन रो हैं देखो, फर्स्ट, सेकेंड और आपकी थर्ड। और अगर आप अल्फाबेट की बात आप रो में करते हैं तो फर्स्ट रो में आप देखेंगे तीनों अल्फाबेट आपके हैं, ए भी है,
बी भी है और आपका सी भी है। इसी प्रकार से सेकेंड अल्फाबेट में भी आपके तीन अल्फाबेट होना चाहिए, ए बी और आपका सी, और तीसरे आपके रो में भी तीन अल्फाबेट होना चाहिए आपका ए बी एंड आपका सी। तो आपने कहा फर्स्ट रो में देखो ए बी और सी है, सेकेंड रो में आपका ए है बी है लेकिन सी नहीं, तो यहाँ पे सी आएगा, ए बी और सी यहाँ पर भी है तो सी आएगा, तो क्लियर हो गया। और ऑप्शन को देख के भी क्लियर था कि यहाँ पे सी ही आएगा अल्फाबेट में, ये क्लियर। अब यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा वो और क्लियर करना है। तो आपने कहा कि अगर हम नंबर की बात करें, देखो नंबर यहां पर आसानी से आपका रो में आ जाएगा, सॉरी कॉलम में आ जाएगा, ठीक है ना। जो आपका नंबर है वो किस में आ जाएगा, देखो कॉलम में, कॉलम में आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तुरंत आपको समझ में आएगा कि सही बात है, बहुत आसानी से आप कॉलम में नंबर को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे कि 4 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 28 हो जाएगा, 28 देखो यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड की बात कर लें, सेकंड को अभी हम छोड़ देते हैं, थर्ड की अगर बात कर लें तो 3 और 15 का मल्टीप्लाई आपका 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप जो है सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 10, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 10, तो यहां पर आपका आ जाएगा 10, तो 10 सी आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क जो आ जाएगा आपका 10 सी आएगा, तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट एंड नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहां पर आपको मैट्रिक्स जो दी गई उसमें दिया गया आपको 3C 27D 9E 7I 21K 3M एंड 4D क्वेश्चन मार्क 7J। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, 11E आएगा, 28G आएगा कि 35I आएगा कि 48F आएगा। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो आपने कहा कि भाई नंबर तो बहुत आसानी से आ जाएगा, नंबर तो बहुत यहाँ पे आसानी से आ जाएगा क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि नंबर आपका यहाँ पे रो में आएगा, नंबर आपका यहाँ पे रो में आएगा, ठीक है ना। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा दोनों नंबर का वो बीच वाला नंबर है, देखो 9 3 जा कितना आ जाएगा 27। तो अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो में आप देखेंगे कि 3 × 9 कितना हो जाएगा आपका 27। इसी प्रकार से अगर आप सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो में क्या हो जाएगा 7 × 3 तो ये हो जाएगा आपका 21। देखो ये 7 है, ये 3 है, कितना हो जाएगा आपका 21। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड रो में आपका 4 × 7 अर्थात यहाँ पे आ जाएगा आपका 28। तो नंबर तो क्लियर हो गया कि 28 आएगा, नंबर क्लियर हो गया 28 आएगा, तो यहाँ पे जी आएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब अगर हम अल्फाबेट की बात करें, देखो सी डी ई लगातार अल्फाबेट लिए गए इस रो में, आई के और एम, ठीक है ना, सी डी ई, तो सी के बाद आपका डी आया, डी के बाद आपका ई आया, यहाँ पे आई है, आई के बाद आपका के है, के बाद एम है, तो यहाँ पे जो अल्फाबेट लिए गए सी डी ई उनके बीच का डिफरेंस आपका बराबर है। तो यहाँ पे जो लिया गया आई के बाद के बाद एम, यहाँ पे भी डिफरेंस बराबर है, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट रो की बात करें, फर्स्ट रो में जो आपका अल्फाबेट लिया गया, फर्स्ट रो में लिया गया सी, सी के बाद आपका लिया गया डी और डी के बाद आपका लिया गया ई, तो आपने कहा सी का कोड है, होता है आपका 3, ये 4, ये आपका 5, सब में प्लस का वन किया गया। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर देखें तो आई के बाद क्या लिया गया सेकंड वाले में, तो आपने कहा के बाद आपका क्या लिया गया एम, तो आपने कहा ये 9 है, ये 11 है, ये आपका 13 है, तो प्लस का 2 आपका 11, प्लस का 2 आपका 13, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो तीसरे में भी जो आप अल्फाबेट लेंगे उनके बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा यहाँ पे आपका डी है, डी के बाद यहाँ पे आपका लास्ट में जे आया है, तो आपने कहा कि ये आपका जो है सेकेंड रो की बात है, थर्ड रो में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका डी है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो आपने कहा डी का कोड 4 है, ठीक है ना। अब 4 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो ये आपका 7 हो जाएगा, और 7 यहाँ पे आता जी आएगा, कितना आएगा आपका जी आएगा, और जी आपका 7 हो जाएगा, 7 में अगर हम 3 ऐड करें तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, अर्थात आपका जे आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका जे आ जाएगा, कितना आ जाएगा जे आ जाएगा, अर्थात 10 हो जाएगा।
तो पहले में देखो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, जो है कौन सा आएगा अल्फाबेट जी, तो 28G आपका आएगा। पहले में अल्फाबेट के बीच क्या ऐड किया गया, प्लस का 1, दूसरे में प्लस का 2, प्लस तीसरे में प्लस का 3, ठीक है ना। डिफरेंस जो है तीनों में क्या है आपका सेम है, पहले में 1-1 का डिफरेंस है तीनों अल्फाबेट में, दूसरे में 2-2 का है, तीसरे में 3-3 का है। तो डी का कोड होता है आपका 4, 4+3 आपका 7 अर्थात जी, और 7+3 आपका 10 अर्थात आपका आ जाएगा जे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 28G, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 28G आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, उसमें है आपका BGN DJR और GN एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, यू आएगा, वी आएगा, डब्ल्यू आएगा कि आपका एक्स आएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें देखो, तो भाई या तो रो में बात करेंगे या तो कॉलम में बात करेंगे। अगर हम यहां पर रो की बात करें तो रो में कैसे बी जी और हम यहां पर एन लेंगे, तो बी का कोड 2 होता है, जी का कोड आपका 7 होता है, 7+2 आपका 9 होता है, वहां पे आपका 14 दिया गया चूंकि एन का कोड आपका 14 होता है। तो जो क्वेश्चन है, तो इसको रो में लेके चलें या तो इसको कॉलम में लेके चलें। तो अगर रो की हम बात करें तो रो में आपको क्या दिया गया है, बी जी एन, ठीक है ना, और डी जे आर जी एन और आपका क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, आपका यू आएगा, वी आएगा, डब्ल्यू आएगा कि आपका एक्स आएगा। तो यहां पर देखो अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको रो में लेके चलते हैं, अगर हम इसको रो में लेके चलें, ठीक है ना, रो में अगर हम लेके चलते हैं तो फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो में क्या है आपका, तो आपने कहा बी है, फिर आपका जी है और फिर आपका एन है। तो बी का कोड कितना होता है, तो आपने कहा बी का कोड 2 होता है, जी का कोड 7 और एन का कोड 14 होता है। अगर हमने 2 में 5 ऐड कर दिया तो 7, और 7 में 7 ऐड कर दिया तो आपका 14। तो पहले 5 ऐड किया फिर 7 ऐड किया था, इन दोनों के 2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से सेकेंड रो की जरा बात कर लेते हैं, सेकेंड रो की जरा बात कर ले, तो आपने कहा सेकेंड रो की अगर बात करते हैं तो यहां पे डी जे आर है, डी है, फिर आपका जे है, फिर आपका आर है। तो डी का कोड 4, जे का कोड आपका 10, जे का कोड कितना होता है आपका 10, और आर का कोड है आपका 18। तो 4+6 आपका 10, 10+8 आपका जो है 18। तो पहले 6+ आपका फिर 8, तो यहां पे 2 का इनके बीच डिफरेंस है। फिर वो थर्ड में देखो यहां पर आपका क्या आएगा, तो आपने कहा थर्ड में यहां पे है आपका जी, जी के बाद है आपका यहां पर एन, जी है, जी के बाद आपका यहां पर एन है, एन के बाद यहां पर क्या आएगा, तो जी का 7, एन आपका 14। तो देखो 7+ आपका 7 14, तो 14+ का 9 यहां पे होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 2 का डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो 7+2 कितना हो जाएगा आपका 9, 14+9 यहां पे 23, अर्थात यहां पे W आना चाहिए। क्या W आपके ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको जो है हम कॉलम में सॉल्व करते तो क्या आता, क्या देखो जरा, आपने कहा कि बी का कोड 2, डी का कोड 4 प्लस का 2 और डी आपका 4 और ये आपका 7, तो प्लस का 3 यहां कितना होता आपका, तो आपने कहा जी और जी आपका 7, 7+3 आपका 10 और ये है आपका 10+4 आपका 14। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद आपका 4, तो यहां पर देखो आपका कितना होता 14+4 आपका 18 और 18+ आपका 5 23, यहां भी W आपका आ जाता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखो 2 B का कोड 2 है, D का कोड 4 है, ठीक है ना। कॉलम की अगर हम बात करें तो कॉलम से भी आंसर आपका W आएगा, रो से भी आप करने पर आपका आंसर क्या आएगा, W आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा आपका, W आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप इसको कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप रो से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में जो है मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि कैसे आप जो है मिसिंग करेक्टर को आसानी से फिल कर सकते हैं उनके कोड के द्वारा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो है ये चीज़ें आपके उन मित्रों तक भी पहुंच सके जो किसी कारणवश कहीं कोचिंग नहीं कर सकते या कहीं पढ़ने दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो वो घर बैठे भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना भी, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।